हाय, वेलकम एवरीवन। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा नाम अमित चौधरी है, मैं करियर प्लानर के टैलेंट टीम का एक हिस्सा हूं और आज आपके लिए अप्लाइड इंग्लिश के क्लास लेकर आया हूं। पहले मैं कुछ नाम पढ़ दूं। तो मैं जो लोग लाइव चैट में आ चुके हैं अभी तक, दीपा कुमारी 232 में ही उनका मैसेज है, अमित कुमार 241 में उनका मैसेज है, मिशिका भारती 244 में ही वो आ चुकी थी ऑनलाइन, शैली कुमारी भी 2:45 तक आ चुकी थी, अंकित कुमार, अंकित, निक्की गुप्ता, दीक्षा सिंह, अलीश वर्मा, सुनिधि सिंह, प्रतिमा प्रेयसी, अंजलि कुमारी, प्रीति कुमारी, सौरव नायक, तान्या सिन्हा, आरती कुमारी, डिंपल कुमारी, मनीष कुमार, प्रियांशु कुमार, प्रशांत कुमार, प्रीतम भारती, अभय कुमार, विवेक कुमार, अर्चना कुमारी, अनन्या शर्मा, पल्लवी झा, श्रुति कुमारी, पायल सिंह, अभय कुमार, ये सारे लोग 3 बजे के पहले ही हाय बोल चुके थे, गुड आफ्टरनून बोल चुके थे, गुड आफ्टरनून। फिर जो सबसे पहले हमारे बीच आई हैं, कृति ईशु, रूपम सिंह, स्नेहा सिंह, अमृता रॉय, नेहा कुमारी, आकांक्षा सिंह, आदित्य कुमार, दीक्षा सिंह, विवेक कुमार, अभय कुमार कुमार, अनुराधा रानी, उन्नति प्रिया, सत्यम कुमार, शालू कुमारी, राजपूत अंशु सिंह, स्वीटी कुमारी, सत्यम कुमार, प्रकाश कुमार, पम्मी कुमारी, प्रीति जायसवाल, अमरेश सिंह, काफ़ी लोग आ चुके हैं, सोनल कुमारी, सोनी कुमारी, नेहा कुमारी, उदित आर्या, प्रिया कुमारी, मेघना गुप्ता, पूजा कुमारी, कुमारी अनुराधा रानी। मैंने सब का नाम, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ का नाम पढ़ा जाए कुछ का नहीं, तो बहुत अच्छा। इतने लोग हमारे बीच में हैं आज, बिल्कुल नए गेटअप में मैं भी शुरू कर रहा हूँ और नई बात आज होगी नई एनर्जी के साथ, क्योंकि पिछले कुछ दिन बहुत पेनफुल रहे थे मेरे लिए, इन्फेक्शन आँख के कारण मुझे काफ़ी दर्द सहना पड़ा, लेकिन उस बीच मुझे काफ़ी नए आइडियाज़ आए आपके लिए। मैं सोचता रहा कि क्या नया किया जा सकता है, तो आज के सेशन में हम कुछ नया करने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम लोग एक क्विज अभी खेलने वाले हैं, इस क्विज में आप साथ साथ मुझे जवाब देंगे, मैं स्पीड थोड़ा स्लो रखूंगा ताकि आपके जवाब मुझ तक पहुँचें, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हुए चलेंगे और उसमें जो भी रूल छिपा हुआ हम देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे हैं, IBPS और SSC प्राइमरीली, अभी CGL के क्वेश्चन है, Tier 1 और Tier 2 दोनों के, IBPS के क्लर्क और PO के, PT मेंस दोनों के क्वेश्चन हैं, और मैंने एक स्लाइड में बैंकिंग का क्वेश्चन रखा है, दूसरे स्लाइड में SSC का क्वेश्चन रखा है, तो यानी बैंकिंग और SSC दोनों के स्टूडेंट्स को एक साथ बातें समझ आती जाएगी। एक स्लाइड में आपको कोई वर्ड मीनिंग बैंकिंग का नजर आएगा, दूसरे स्लाइड में आपको कोई ग्रामर का क्वेश्चन SSC का नजर आएगा, और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं एक नई शुरुआत आपके साथ करूं। तो इन इस क्विज को खेलने के बाद मैं आपको एक वोकैबलरी का एक पूरा इंडेक्स दिखाऊंगा, एक पूरा कलेक्शन है, और उसमें SSC में हालिया अराउंड 5-7 साल में जितने वर्ड मीनिंग्स आए हैं उनका साइनो और उनका पूरा डिटेल में मीनिंग दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि उसको भी मैं आपके साथ आज ओपन करूं और उसको भी आप, तो जो भी PPT आज ये मैं यूज कर रहा हूं और जो SSC वाला PPT है, जो वोकैबुलरी वाला, ये आपको अभी तुरंत लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगले क्लास में मैं आपको SSC वाले जो मैं मटेरियल आपको दे रहा हूं उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा क्विज में, और आज मैं उसको याद करने का तरीका बताऊंगा, फिर कुछ लाइफ चेंजिंग कोट्स भी हम लोग देखेंगे, और सबसे आखिर में हम लोग एक कम्युनिकेशन क्वेश्चन सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम अच्छी बात कैसे कर सकते हैं, तो मेरा थोड़ा सा इंग्लिश बोलना सिखाने का भी ये प्रयास होगा, लेकिन मेरा फोकस रहेगा कि आप अच्छे वर्ड मीनिंग सीखें और सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना सीखें। तो आइए, इतनी सारी चीज़ों के साथ हम शुरू कर, राइट। तो हम लोग अब फिर कनेक्टेड हैं, टीम यहाँ पर आपके हेल्प के लिए यहाँ बैठी हुई, इसलिए हम लोग तुरंत रिजॉल्व कर पाए। हमारे साथ यहाँ पर अमर सर हैं, शिशिर सर हैं, ये लोग वर्क कर रहे हैं आपके साथ, और
अभी हम लोग जो मैंने बात किया, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और ये पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आईबीपीएस का क्वेश्चन है और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन एक्चुअली किस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। इस क्वेश्चन में आपको ये जो नीचे पांच वर्ड दिए जा रहे हैं इस वर्ड को फिल करना है। तो जब तक आप इस क्वेश्चन पे दिमाग लगा रहे हैं मैं आपको एक बार दोहरा दूं, जो लोग शुरू में नहीं आ पाए या जिन लोगों से मिस हो गया, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग अभी क्विकली आपके सामने लेके आएंगे आईबीपीएस और एसएससी के क्वेश्चन। एक स्लाइड पे आईबीपीएस का क्वेश्चन, दूसरे पे एसएससी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग एक 600 से ज्यादा वर्ड्स का कलेक्शन है जो खास तौर पर एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने उन वर्ड्स को चेक किया है, वो बैंकिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल हैं। हम लोग उसको देखेंगे, उस पीडीएफ को देखेंगे, या आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइफ चेंजिंग कोर्स हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग कम्युनिकेशन क्वेश्चन पे भी काम करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आईबीपीएस का क्वेश्चन है, सारा एग्जाम पेपर से लिया गया है, 2018 का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन शुड फिल इन द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक देम कंटेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। तो हमें सर्च करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट हो सकता है। पहला बोल रहा है शी स्टूड आउट ऑफ हिज वे बेयरली एबल टू केयर फॉर अ चाइल्ड एंड एट अ लॉस एज टू वॉट टू डू विथ अ बॉय ऑन द डैश ऑफ बिकमिंग अ टीनेजर। आपको यहाँ पर या तो मिडिल भरना है या एजिंग भरना है या वर्ज भरना है या रिजेंबल भरना है या टर्मिनेट भरना है। दूसरे को मैं पढ़ दे रहा हूं, ही फाउंड द कंट्री ऑन द डैश ऑफ रिवोल्यूशन बट द विजडम ऑफ द न्यू मोनार्क सेव द सिचुएशन एंड वोन बैक द मैग्यास। यहां पर भी आपको सेम वर्ड भरना है जो वर्ड आपको ऊपर के फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो आप लोग जल्दी से इसको देखें और मुझे बताएं, तब तक मैं आपके रिस्पॉन्सेस को पढ़ रहा हूं। ये आईबीपीएस का क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहां पर आंसर दे चुके हैं, मैंने वेट कर लिया। सी लोगों का आंसर है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिप्लाइड सी, बिल्कुल सही आंसर, सी बोल रहे हैं, सी वर्ड जिसका आंसर होगा। सब लोग राजपूत, अंशु सिंह, स्वीटी कुमारी, उन्नति प्रिया, राहुल कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, अनन्या शर्मा, शालू कुमारी, राहुल कुमार, और कुछ लोगों ने तो एकदम पहले ही रिप्लाई दे दिया है। श्रुति कुमारी, खुशबू अग्रवाल, स्वीटी कुमारी, अनन्या शर्मा, प्रीतम भारती, सुनिधि सिंह, इन सुमित कुमार, कीर्ति ईशु, इन लोगों ने सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होना चाहिए, वर्ज। क्यों वर्ज होगा? तो पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं वर्ज को लगा के। शी स्टूड आउट ऑफ हिज वे बेयरली एबल टू केयर फॉर अ चाइल्ड एंड एट अ लॉस एज टू व्हाट टू डू विथ अ बॉय। तो वो अपने बिल्कुल जो नॉर्मल रास्ते है उससे अलग हट चुकी थी और बहुत मुश्किल से बेयरली ही वो समर्थ थी कि वो केयर कर पा रही थी, ख्याल रख पा रही थी एक ऐसे बच्चे का, एंड एट अ लॉस, जो कि एक तरह का उसको जिंदगी में कुछ नुकसान भी हुआ था, एज टू वॉट टू डू विथ अ बॉय। वो बिल्कुल कन्फ्यूज थी कि मतलब एट अ लॉस, हम यहाँ पर फिर idioms की तरह यूज करें, मतलब कन्फ्यूज स्टेटमेंट थी कि वो उस बच्चे के साथ क्या करे ऑन द डैश ऑफ बिकमिंग अ टीनेजर, जो टीनेजर बनने ही वाला था। तो बनने ही वाला था के लिए जो वर्ड यहाँ पर आएगा वो आएगा वर्ज। और ही फाउंड द कंट्री, उसने कंट्री को पाया ऑन द वर्ज ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब बिल्कुल रिवोल्यूशन शुरू होने ही वाला था, बट द विजडम ऑफ द न्यू मोनार्क, लेकिन जो नया राजा था वहां का, उसके ज्ञान ने सेव द सिचुएशन एंड वोन बैक द मैग्यास। उसके जो वहां का मोनार्क था, जो वहां का किंग था, उसके ज्ञान ने, विजडम ने सिचुएशन को बचा लिया और मैग्यास जो है, ये एम प्लूरल यहां पर एम कैपिटल में है, ये नाम है, तो मैग्यास को जीत लिया। यहां पर आंसर वर्ज होगा। सवाल है कि मिडिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिडिल एक पॉइंट होता है, एट का यूज और यहां पर ऑन का यूज किया जा रहा है, तो ऑन द मिडिल हम नहीं बोल सकते हैं, यह स्पेसिफिक पॉइंट होता है। और यहां पर वर्ज का अर्थ होता है किसी चीज की बस शुरुआत होने वाली है। वर्ज मतलब होता है कि एक चीज खत्म होगा और दूसरा चीज शुरू होने वाला है। एजिंग क्यों नहीं होगा? एजिंग इसीलिए नहीं होगा
कि अगर यहां पर हम एज को लिखते तब तो वो सही आंसर हो सकता था, क्योंकि एज और वर्ज बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन यहां एजिंग दिया हुआ है और एजिंग का मतलब होता है किसी चीज के किनारे में जो कपड़ा लगाया जाता है। मान लो टेबल के किनारे में, आपको पता चला कि टेबल के किनारे में ग्लास निकला हुआ है तो आप वहां पर एक कपड़ा लगा देते हैं, उसको एजिंग कहते हैं। तो एक प्रोटेक्शन कवर होता है, उसका यूज यहां नहीं होगा। रिजेंबल मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, किसी से मिलना, माने किसी के जैसा शक्ल मिलना, तो ये भी यहां पर आंसर नहीं होगा। और टर्मिनेट मतलब होता है खत्म कर देना, तो यहां आंसर वर्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई अग्रीड। यहां पर डैश फिल इन द ब्लैंक्स इस जगह पे आ रहा है, आपको बताना है यहां एट वंस आएगा या एट लार्ज आएगा या एट मोस्ट आएगा या एट इज आएगा। कुछ लोगों को बफरिंग का प्रॉब्लम फिर हो रहा है। अंकित कुमार, उन्नति प्रिया, सुनिधि सिंह, दूसरा क्वेश्चन मैं ओपन कर चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ओपन है, इसको सॉल्व करें। नेट आजकल ओवरऑल प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट कर रहा है वेदर कंडीशंस के कारण, और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो इस बीच में जबकि नेटवर्क ठीक करने की कोशिश है, आप इस क्वेश्चन को बनाएं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का। आगे बोले यार, चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर आप तब तक भेजें मुझे। काफी लोग यहां पर आंसर वन बोल रहे हैं, एट वंस बिल्कुल सही है, एट वंस इसका जवाब बिल्कुल सही है। काफी लोग सही जवाब दे चुके हैं एट वंस। पल्लवी झा, भवानी कुमारी, दीक्षा सिंह, सुनिधि सिंह, राहुल कुमार, अमित कुमार, राजपूत, अंशु सिंह, उन्नति प्रिया, सुनिधि सिंह, अंजलि कुमारी, खुशबू अग्रवाल, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। एट वंस होगा यहां पर जवाब, राइट। क्यों होगा एट वंस? एट वंस मतलब होता है तुरंत। ये सीजीएल का क्वेश्चन है जो आपके सामने डिस्कस हो रहा है, ये मेंस का क्वेश्चन है, टीयर टू का क्वेश्चन है। व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड, यहां पर एट वंस सही जवाब, आई एग्रीड एट वंस यानी मैं तुरंत तैयार हो गया। जब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मॉल जाना है लंच के लिए, तो मैं तुरंत तैयार हो गया, तो एट वंस यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एट वंस का मतलब होता है तुरंत। एट लार्ज मतलब क्या होता है? लार्ज मतलब तो बड़ा होता है, लेकिन एट लार्ज मतलब मोटा मोटी, यानी कि आप बोल सकते हैं कंप्लीट या होल। जब आप बोलें कि एट लार्ज इस कंट्री में पीस है, एट लार्ज इस कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो इसका मतलब है कि पूरी कंट्री में मोटा मोटी शांति है या डेमोक्रेसी है। एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हटा दीजिए। और एट ईज मतलब होता है आराम से, सुकून से। अभी आप देखेंगे कि जो इकोनॉमी और इन सब चीजों के कारण, एग्जामिनेशन के कंडीशंस के कारण बहुत लोग एट ईज में नहीं हैं, तो आराम से इसका मतलब हुआ, तो ऑब्वियसली आपका जवाब एट वंस होगा। सेकंड का आंसर वन, एट वंस तुरंत अचानक, यानी वो तुरंत तैयार हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूं, ये फिर आईबीपीएस का क्वेश्चन है। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में इनमें से, इन तीन वर्ड्स में से देखना है कि क्या कोई एक वर्ड आएगा या एक से ज्यादा वर्ड आएगा। प्लीज इसका आंसर दें। दयानंद कुमार यादव बोल रहे हैं वीडियो कट हो जाता है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी आपको दिक्कत होगा तो फीडबैक दीजिएगा, लोग यहां पर बैठे हुए हैं देख रहे हैं। कंसल्ट टू अंबानी नहीं, इसका जवाब जरा मुझे दें। आईबीपीएस का ये क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन बिलो हैज वन ब्लैंक विच इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, यहां से कुछ गायब है।
फाइंड आउट विच ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू फिल अप द ब्लैंक इन द सेंटेंस इन द सेम सीक्वेंस टू मेक इट मीनिंगफुली कंप्लीट। कौन सा वर्ड आएगा? तीन वर्ड है यहाँ, इवोक है, रिकॉल है और सेंट है। इन तीनों में से एक या एक से ज्यादा वर्ड यहाँ पे आ सकता है। द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबी अलॉन्ग विथ अ पैनोरामिक शॉट ऑफ द इम्पोजिंग मोनार्किक स्ट्रक्चर इज इनफ टू डैश मेमोरीज। तो ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, ये इंग्लिश जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ये आपको मूवी में जैसे अमिताभ बच्चन की इंग्लिश कभी कभी होती है तो उस तरह का आपको लग रहा होगा, इतना डिफिकल्ट ये सेंटेंस नजर आ रहा होगा। और बिल्कुल ये सेंटेंस डिफिकल्ट है, लेकिन सवाल ये है कि मेरे स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट होने के बावजूद कैसा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पिछले जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो IBPS और SSC CGL टीयर 2 में आए हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर। ये क्वेश्चन भी IBPS का क्वेश्चन है। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, गोल्डन सनशाइन, पल्लवी झा, निभा कुमारी, राहुल कुमार डी बोल रहे हैं, सोनी कुमारी सी बोल रही हैं, सुनिधि सिंह। अब नेट का प्रॉब्लम एकदम दूर हो चुका है, तो थैंक्स टू आवर टीम, राइट। तो उम्मीद है कि जितना हम लोग आपके साथ यहाँ मेहनत कर रहे हैं आप भी वीडियोस को कम से कम शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप में से सब लोग कुछ ना कुछ कमेंट करें वीडियो के कमेंट। लाइव चैट में तो आप कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन वीडियो जब पोस्ट हो जाता है लाइव चैट के पूरे लाइव सेशन के बाद, तो उसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी अपने फीडबैक को दें, बताएं कि और क्या चीजें आप चाहते हैं। इवोक, रिकॉल और सेंट, यहां पर पहले इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, आंसर हम लोग देखते हैं। द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबी, डाउनटाउन एबी किसी का नाम है, उसका थीम सॉन्ग है, कोई मूवी होगा या कोई सीरियल है। अलॉन्ग विथ, साथ में, पेनोरामिक शॉट ऑफ द इम्पोजिंग मोनार्किक स्ट्रक्चर, पेनोरामिक मतलब चारों तरफ फैला हुआ जो दृश्य एक नजर आ रहा है। और कैसा दृश्य नजर आ रहा है? इम्पोजिंग मतलब थोपा हुआ, मोनार्किक स्ट्रक्चर है। मोनार्किक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा लग रहा है किसी राजा का वहां पर कुछ दिखाया जा रहा है। इज इनफ टू डैश मेमोरी, ये मेमोरीज को डैश करता है। गौर कीजिएगा यहां पे टू का यूज हुआ है, टू के बाद आप जानते हैं V1 का यूज होता है, राइट, ये तो सबको जानते हैं। तो सेंट ऑप्शन को आप बिल्कुल हटा सकते हैं क्योंकि सेंट V2 या V3 है, V1 तो क्या होता है, सेंड होता है। तो यहां पर तो सेंड दिया हुआ नहीं है, V1 तो दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए इस ऑप्शन को आप बिल्कुल काट सकते हैं। अब आपको बचा इवोक और रिकॉल। ये क्वेश्चन खास तौर पर मैंने इसलिए डाला है कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तो पहले इन दोनों शब्दों पर गौर करें। इवोक का मतलब क्या होता है? इवोक का मतलब होता है किसी चीज को जगाना। आप वोक से याद कर सकते हैं, वेकअप जैसे आप बोलते हैं, तो वोक से इवोक मतलब जगाना। तो किसी चीज यादों को क्या जगाया जा सकता है? हिंदी में सोचिए, क्या यादें जागती हैं? बिल्कुल, हम कविताओं में, शायरी में यूज करते हैं। और रिकॉल मतलब होता है किसी चीज को दोबारा याद करना, जैसे आप बोलते हैं मैं उसका फोन नंबर रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब रिकॉल भी किया जा सकता है मेमोरीज को, यानी मेमोरीज को याद भी किया जाता है और मेमोरीज को जगाया भी जाता है। इसलिए 1 और 2 यहां दोनों सही जवाब होगा और इसलिए आंसर आपका होगा बोथ 1 और 2 यानी डी। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। उन्नति प्रिया बोल रही हैं, फीडबैक देंगी। दीक्षा सिंह बिल्कुल ऑनलाइन सही, डी इवोक एंड रिकॉल। स्मृति स्नेहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गोल्डन सनशाइन बोल रहे हैं, वीडियो स्लो चल रहा है। बिल्कुल, अगर हमें ये फीडबैक मिलेगा तो हम, हमारी टीम यहाँ कंटिन्यूस देख रही है, काम कर रही है। अनिकेत श्री, वीडियो अटक रहा है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो जो लोग देख रहे हैं वो लोग साथ साथ मेरे बने रहे हैं। डी काफ़ी लोगों ने, आर्यन कुमार, स्मृति स्नेहा, स्वीति, मुनीता कुमारी ने भी डी आंसर दिया है। कुछ लोग बी आंसर में फंस गए, उनको रिकॉल लगा, मेमोरीज के साथ रिकॉल को एसोसिएट करना आसान होता है, लेकिन इवोक भी होगा, इवोक मतलब भी जगाना होता है, IBPS का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन, SSC वालों सेंटेंस अरेंजमेंट, बहुत मजेदार सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको सॉल्व कर लो। मैं बता रहा हूं इसको सॉल्व कर लिए तो टीयर 2 का मैक्सिमम सेंटेंस अरेंजमेंट तुम्हारे करने लायक है। अगर हम अपना कपड़ा किसी को दे रहे हैं, बासी रोटी किसी को खाने को दे रहे हैं, तो क्या वो खाना खाने लायक है? कम से कम वैसी चीज तो दें जो कि इंसान के लिए यूज करने लायक हो। डी बोलता है मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है जो लोग एकदम कम से कम में गुजारा करना चाहते हैं, जो लोग एकदम बहुत ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि क्लटर होगा यानी कोई चीज बिखरा हुआ रहेगा, तो इससे टेंशन होगा और बहुत सारे स्पेस बर्बाद होगा।
प्रशांत कुमार बोल रहे हैं आप फिर से रुक गए हैं, हम रुके तो नहीं है, वीडियो नहीं चल रहा है। स्नेहा सिंह बोल रही हैं, लेकिन भारत को मैं फीडबैक देता जा रहा हूं, लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, तो आपका अपने साइड से भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी रेक्टिफाई करते रहे। हम लोग यहां से रेक्टिफाई कर रहे हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा मैं रुकने बोल दूंगा। भारत कुमार का आंसर है DACB, यानी भारत कुमार थर्ड बोल रहे हैं, आनंद कुमार भी थर्ड बोल रहे हैं, मेघना गुप्ता भी थर्ड बोल रहे हैं, स्वीति कुमारी थोड़ा फोर्थ बोले, यानी केत श्री थर्ड बोल रहे हैं, सचिन कुमार थर्ड, 333 DACB 333। तो आप लोगों को मुझे मतलब बस मैं सैल्यूट करता हूं। तो फिर तो ये बात हुई ना, एकदम आप लोग सीधे पहुंच ही जा रहे हैं, तो मुझे मजा आ रहा है। और एक्चुअली टीचर का काम भी यही होता है कि टू मेक हिमसेल्फ रिडंडेंट। आपको अगर रिडंडेंट मतलब इसकी जरूरत ना हो, आपको जिस दिन मेरी जरूरत नहीं होगी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मुझे लग रहा है आपको जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं और बहुत अच्छा। और बिल्कुल इसका पहला डी होगा। क्यों डी होगा इसका पहला? क्योंकि यहां पर मिनिमलिस्ट नाउन आया है, मिनिमलिस्ट बात शुरू हो रही है एक नाउन से। मिनिमलिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा सामान को बिखरा के रखेंगे तो इसे स्ट्रेस होगा और आपकी जगह बर्बाद होगी, तो डी बिल्कुल पहला है। अब देखो मिनिमलिस्ट कुछ बिलीव करते हैं तो ऑल्सो तो इसके बाद ही ना आएगा भाई। जैसे मिनिमलिस्ट बिलीव करते हैं और वो ये भी बिलीव करते हैं, यहां पर ऑल्सो लगा हुआ है, तो सेकंड में हमारा आ गया ए। वो बिलीव करते हैं दैट वन मस्ट नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स इन वन डजंट यूज देम एंड लव देम एनीवेयर, ऐसी चीज को रखो ही मत जिसको यूज नहीं करते हो, बेकार का कूड़ा बढ़ने से क्या फायदा। और जब ऑल्सो आ गया है तो उसके बाद फर्दर आएगा, क्योंकि फर्दर का मतलब होता है इसके आगे, तो तीसरा में हमारा सी हो जाएगा कि दे फर्दर एडवाइस, वो इसके आगे ये भी सजेशन देते हैं कि आप सारे कूड़े कचड़े को हटाने के लिए क्या कीजिए कि उन लोगों को दे, माने पहले देखिए कि क्या वो कचरा यूज करने लायक है या नहीं। और जब आप फर्दर बोल चुके हैं तो चौथे में बी आएगा, यानी फाइनली लास्ट में आप बोलिएगा ये बहुत गुड आइडिया है कि ऐसे कि सामान को किसी और को दे दिया जाए जो उसको यूज करे। तो हमारा आंसर बिल्कुल DACB हो चुका है, यानी आंसर हमारा थर्ड हो चुका है। कैसे हमने पकड़ा? पहला सेंटेंस में नाउन मिनिमलिस्ट आ रहा है, बाकी सब में दे है, ये सब पहला नहीं हो सकता है, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल्सो आ रहा है, थर्ड में फर्दर उसके आगे, और लास्ट स्टेटमेंट में फाइनली आ रहा है। तो बहुत अच्छा। तो मैं तो बोलूंगा कि श्रुति कुमारी आप ही लोग से, हम लोग से ये सब क्वेश्चन बन पाता सर, तो नहीं तो बहुत अच्छा, आप लोग काफी लोग और बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट लाइन, देखिए लड़के लोग यहां पे वर्ड लिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट, अंजलि कुमारी लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट लाइन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइन है, डी से शुरू हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा जार्गन्स यूज नहीं करता हूं क्योंकि यहां क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। फिर SSC का क्वेश्चन, ये सॉरी बैंकिंग का क्वेश्चन, अभी आपने SSC का देखा था सेंटेंस अरेंजमेंट, अब बैंकिंग वालों ऑब्वियसली, लेकिन ग्रामर का क्वेश्चन है तो SSC वालों जवाब एरर पकड़िए। आपका फेवरेट क्वेश्चन, I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time. सारे क्वेश्चन IBPS के पिछले दो साल के और SSC CGL के पिछले दो साल के, टीयर वन और टीयर टू के और PO और क्लर्क के, बताइए इसमें एरर कहाँ है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा और 600 वर्ड्स का कलेक्शन भी मिलेगा SSC का, बताइए एरर। डी निभा कुमारी डी वाह, बिल्कुल 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 सही, हमारा एरर है डी पार्ट में। और डी पार्ट में क्या एरर है, कोई ये जवाब देना चाहेगा? आई हैड नो टाइम, बताइए अनिकेत श्री, मतलब ये सब स्टूडेंट्स है, मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स पे फक्र करता हूं, बिल्कुल हैड, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया को पढ़ाएंगे। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सिंपल सा टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है कि अगर पास्ट टेंस का यूज हो रहा है तो सारे टेंस पास्ट टेंस में होने चाहिए, डिक्लाइंड यहां पर पास्ट टेंस में है, मना करना, इन्विटेशन को मना कर दिया इसलिए नहीं, ये भी पास्ट टेंस में V2 का यूज है, Want to go because, तो यहां भी V2 का यूज होना चाहिए और V2 have का V2 होता है had, इसको भी past tense में लिखेंगे, I had no time, perfect, I had no time, देखिए बहुत अच्छा। तो
चलिए अगला, आज तो मुझे मजा आ रहा है क्लास में, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन जरा देखिएगा, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, एसएससी का, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है सर, देखिए जरा। चारों ऑप्शन में कौन सा आपको नजर आता है? लाइन ये है, समबडी फीड्स द स्ट्रे डॉग डेली, इसको पैसिव करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेंज द वॉइस एक्टिव पैसिव फ्रॉम द समबडी फीड्स द स्ट्रे डॉग डेली। एक्टिव में सेंटेंस है, पैसिव, बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैं बस इसलिए लेकर आया हूं कि मैं एक नई बात बताना चाहता हूं यहां पर आपको। लड़के सही बोलना शुरू कर चुके हैं, उन्नति प्रिया, प्रशांत कुमार, ये लोग, कुमारी अनुराधा रानी, ये लोग अभी फेल नहीं होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि फेल होने पर भी घबराना नहीं है, राइट। उसके लिए हम लोग लाइफ चेंजिंग कोर्स देखेंगे। अमन ईशान राज, बिल्कुल। तो मैं आपको बताना क्या चाहता था, ये तो मुझे पता है कि आपको आंसर थर्ड पता चल गया है, और उसको बनाने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका भी ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज किया जा रहा है, वी फाइव का यूज किया जा रहा है, और प्रेजेंट टेंस को जब पैसिव में लिया जाता है तो प्रेजेंट टेंस के साथ इज या आर का यहाँ पर यूज हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर वी थ्री का हम यूज करेंगे पैसिव में। तो इज का यूज किस में है? यहाँ तो हैज का यूज है, ये गलत हो गया। वाज का यूज है, गलत हो गया। यहाँ विल बी का यूज है, गलत हो गया। तो इज का यूज तो बस इसमें दिया हुआ है, इज फेड, और फेड वी थ्री है, तो अब इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि यहां पर बाय समबडी जो आया है, इसके कारण कहीं कुछ लड़के हड़बड़ी में एग्जामिनेशन में गलत ना कर दे। वैसे ही आप लोग, वैसे नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा गलती कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में ये पढ़ाया जाता है ना एक्टिव पैसिव में कि बाय समबडी, बाय समवन, बाय एनीवन, बाय वन मत लगाओ, राइट। ये तो पढ़ते हो। तो पैसिव में बाय समवन, बाय समबडी को हटाया जा सकता है, लेकिन हटाया जा सकता है, अगर लगा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर एक ही ऑप्शन है बाय समबडी लगा हुआ है तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, राइट। तो देखिए अंजलि कुमारी वही बात बोल रही हैं कि बाय के बाद समबडी नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सही जवाब यही है, क्योंकि और कोई जवाब सही है ही नहीं, इसीलिए हमें थर्ड ऑप्शन को चुनना पड़ेगा और बाय समबडी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए आप एक बात ये सीख रहे हैं कि बाय समबडी, बाय समवन का यूज करना जरूरी नहीं होता है पैसिव में, लेकिन अगर यूज कर भी दिया जाए तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड आंसर है इसका बाय समबडी, यहां एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन, द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। अब आपको यहां पर जो हैज प्रिपेयर्ड टू आ रहा है, इसके जगह या तो आपको वाज प्रिपेयर टू लगाना है, या हैज बीन प्रिपेयर फॉर लगाना है, या वाज प्रिपेयर्ड एट लगाना है, या हैज प्रिपेयर्ड फॉर लगाना है, तो आप क्या लगाएंगे इसको बताएं, आंसर दें मुझे। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा, ये क्वेश्चन एसएससी का था, ये क्वेश्चन आईबीपीएस का है। बिल्कुल जवाब दें, वाह, अब तो मैं बिल्कुल कायल हो गया, आप लोगों का फैन हो गया। मुझे लगा था ये क्वेश्चन में लड़के थोड़ा सा फंस, विशिका भारती, सुनिधि सिंह, दीक्षा सिंह, राजपूत, अंशु सिंह, अनिकेत श्री, सब सही जवाब दे रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो एकदम बहुत पहले दे दिया, मेघना गुप्ता, सब स्वीति कुमारी सबसे शुरू में, नेहा कुमारी, कुमारी अनुराधा रानी, अनिकेत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इसका जवाब ए होगा, परफेक्ट, बहुत अच्छा, सुपर। द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। सबसे पहले यहां वही टेंस का रूल लगा लो, याद रखना कि ये बीच में जो दैट आ रहा है इसको बोला जाता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। टेंस में ये चीजें आप लोगों को देखनी है, डिपेंडेंट क्लॉज, और कंजंक्शन के पहले वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं हमेशा टेंस में,
प्रिंसिपल क्लॉज को मान लो बाप, फादर, सन, सॉरी डैड, ये हो गया फादर, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये हो गया बेटा यानी कि सन, और अगर पिताजी पुराने विचारों के हैं तो बेटा जी भी चांसेस है कि पुराने विचारों का निकल सकते हैं, यानी पिताजी अपने पुराने विचार बेटे को देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां प्रिंसिपल क्लॉज पुराने विचार का मतलब हो गया पास्ट टेंस, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है यानी पिताजी पुराने विचारों के हैं तो बेटा जी भी पुराने विचारों के होंगे। कुछ एक्सेप्शन है वो तो ऑब्वियसली हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन पुराने विचारों के होंगे, और इसीलिए यहां पर भी हमको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। और अगर पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा तो हैज तो यूज हो नहीं सकता और हैज यूज हो नहीं सकता है। अब या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा, लेकिन प्रिपेयर्ड के साथ एट नहीं यूज होता है, प्रिपेयर्ड के साथ टू यूज होता है, इसीलिए हमको आंसर वाज प्रिपेयर्ड टू चुनना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा सर वाज प्रिपेयर्ड टू तो पैसिव हो गया, क्योंकि आपको यह पता है कि वाज या इज के बाद अगर V3 आता है तो पैसिव होता है, तो बिल्कुल यह सेंटेंस पैसिव है। क्लाइंट को प्रिपेयर किया गया किसी और के द्वारा कि वो सरेंडर करे, इसलिए पैसिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वाज प्रिपेयर्ड यहां बिल्कुल सही जवाब है। तो बाप पिताजी अगर पुराने विचार के तो बेटा जी भी पुराने विचार के, यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट टेंस। लेकिन अगर तो इस रूल को एक बार क्विकली यहां पर रिवाइज कर लो मेरे साथ जल्दी से, पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज, डीसी यानी डिपेंडेंट क्लॉज लिख लेना, बीच में आ जाता है कंजंक्शन, कंजंक्शन का एग्जाम्पल यहां दैट है, इसी तरह हु हो सकता है, विच हो सकता है, बिकॉज हो सकता है। अगर ये पुराने विचार के हैं पिताजी यानी ये पास्ट टेंस में है तो बेटा भी पास्ट टेंस में होगा, लेकिन अगर पिताजी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है यानी पिताजी आज के विचारों के हैं, अगर पिताजी अगर आज के विचारों के हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, या पिताजी फ्यूचर के विचारों के हैं, पिताजी पबजी तो बैन है, फौजी खेलते हैं, तो पिताजी अगर आज के विचारों के हैं या फ्यूचर के विचारों के हैं तो बेटा पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तीनों टेंस में हो सकता है। तो इस कहानी से याद रख लेना कि पिताजी अगर पास्ट टेंस में तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट टेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में किसी में हो सकता है। यानी पिताजी अगर पुराने विचारों के हैं तो बेटा भी पुराने विचार का, और पिताजी आज के विचारों के हैं या फ्यूचर के विचारों के हैं, प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, तो वो बेटे को आज़ादी देंगे, बेटा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में किसी में हो सकता है। राइट, एनी सेंटेंस, ये सुनिधि सिंह बोल रही है ये रूल हमेशा काम करेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है उसको मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा, लेकिन पहले इस रूल को ध्यान रख लें। राइट, इसको लिख लें एक बार क्योंकि ये बार बार इंडेक्स यूज होगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा मेरे साथ, 8 नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए गोल्डन सनशाइन बोल रहे हैं बहुत मजा आता है आपसे पढ़ के, अभी बहुत मजा आने वाला है, एक ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे तो मतलब उसको पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत मजा आता है, तो वो वीडियो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको देखें 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज स्टडी ऑफ डॉग्स। स्टडी ऑफ डॉग्स के लिए ये SSC का क्वेश्चन आ चुका है, आउटेकोलॉजी होगा, ब्रोमेटोलॉजी होगा, ब्रोमेटोलॉजी होगा, एंटोमोलॉजी होगा कि साइनोलॉजी होगा। अगर आपको याद होगा तो SSC का एक फुल क्वेश्चन मैंने 2020 का Tier 1 का डिस्कस कराया था जिसमें कि ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं मेरे साथ, बिल्कुल साइनोलॉजी, स्यान, स्वान, मैंने ऐसे याद कराया था, स्वान मतलब जैसे कुत्ता होता है तो उससे याद कर लो, स्वान मतलब कुत्ता, हम लोग संस्कृत में स्वान बोलते हैं, तो उसी से साइनोलॉजी याद कर लो, स्टडी ऑफ डॉग्स। आउटोकोलॉजी मतलब क्या हुआ, आउटोकोलॉजी मतलब होता है कोई एक स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज ले लो और उसका जो इकोलॉजी के साथ रिलेशन है यानी कि पर्यावरण के साथ जो रिलेशन है उसको स्टडी किया जाता है। ऑटोकोलॉजी में कोई भी एक स्पीसीज जैसे टाइगर को ले लिए, हनी बी को ले लिए और उसका इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है ये स्टडी किया जाता है। ब्रोमेटोलॉजी को याद करने का मैंने तरीका बताया था जब मैंने उस फुल क्वेश्चन में कराया था, ब्रो को याद करो, ब्रो मतलब क्या होता है, भाई,
तो ब्रो तुम कब बोलते हो, तुम्हारा कोई रूम पार्टनर है उसको ब्रो कब बोलते हो, जब उससे कुछ खाना होता है। जनरली तो अपने रूम पार्टनर को हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, कभी डांट देते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, लेकिन जब कुछ पिज़्ज़ा मंगाना होता है, कुछ खाना मंगाना होता है, ऐसे तो बाहर की चीज़ अभी ना ही मंगाई जाए तो ठीक है, लेकिन मंगाना होता है तो हम बोलते हैं ब्रो कुछ ऑर्डर करो, ब्रो पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। तो ब्रो मेटोलॉजी मतलब ब्रो से याद कर लो फूड, तो ब्रो मेटोलॉजी मतलब हुआ साइंस ऑफ फूड। इसमें स्टडी किया जाता है कि खाने में किस तरीके से न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए या किस तरह का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। एंटोमोलॉजी में एंट है शुरू में, तो इंसेक्ट्स याद कर लो, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होता है उसको एंटोमोलॉजी बोला जाता है, राइट। और साइनोलॉजी मतलब हो गया स्टडी ऑफ डॉग्स, तो सही जवाब हो गया डी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, बैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पर किसका स्पेलिंग गलत है, अनर्थ का स्पेलिंग गलत है कि मार्वलस का स्पेलिंग गलत है कि सुपरवाइज्ड का स्पेलिंग गलत है या फिर सेलेशियल का स्पेलिंग गलत है। आईबीपीएस का क्वेश्चन है ये, आंसर देंगे। साइनोलॉजी तो बहुत लोगों ने बोला है, प्रिंस पीटर, इन सारे लोगों ने साइनोलॉजी बोला है। आंसर आना शुरू हो रहा है, डी कुछ लोग बोल रहे हैं, डी शुरू हो गया। अलीश वर्मा बहुत तेजी के साथ, अंजलि कुमारी, शिवम भारती, कृति ईशु, नति प्रिया, श्रुति कुमारी, सोनल कुमारी, अनन्या शर्मा, ये लोग हमेशा बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सेलेस्टियल यहाँ पे होगा, सेलेस्टियल का स्पेलिंग होगा सी ई एल ई एस टी आई ए एल हो गया। इसका मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो हेवेनली है, यानी बिल्कुल गॉडली है, यानी बिल्कुल जो अर्थ की ना हो, यानी जो बिल्कुल लगे डिवाइन लगे, जो सुपर नेचुरल लगे, जो बियॉन्ड दिस अर्थ लगे, जो बहुत ज़्यादा लॉफ्टी लगे, एस्पिरेशनल लगे, जो कहीं ऊपर से आई हुई चीज़ हो। तो प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है हीरो। आज मैं आपके सामने जो कम्युनिकेशन क्वेश्चन प्ले करने वाला हूँ उसमें ये वर्ड आएगा, प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो। द प्रोटैगनिस्ट वांटेड टू अनअर्थ, अनअर्थ मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, अनकवर करना, खोलना, उद्घाटित करना, रिवील करना। तो जो प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो है वो चाहा कि वो अनअर्थ करे, उजागर करे द मार्वेलस पावर, जो अद्भुत पावर है, विच मैग्नेटाइज द नीडल, जिसने नीडल को मैग्नेटाइज कर दिया, एंड सुपरवाइज द थाउजेंड सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, और जिसके थ्रू उसने हजारों सेलेस्टियल यानी आकाशीय पिंडीय जो उल्का पिंड ग्रहों से रिलेटेड है वैसे ऑब्जर्वेशन को उसने देखा। तो सेलेस्टियल इसका आंसर बिल्कुल सही, ये आपके लिए आईबीपीएस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, टेंथ क्वेश्चन, देखिएगा। टेंथ क्वेश्चन मेरे साथ देखिए, मुझे बताइए कि इसमें एट मी रिफ्यूजिंग को रिप्लेस करके इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा फ्रेज लगाया जा सकता है। फिर आपके सामने सीजीएल का क्वेश्चन है, आंसर बताएं। पहले अमित कुमार ने आंसर दिया था, अच्छा ओके। रेगुलर क्लास अनिकेत श्री पूछ रहे हैं, बिल्कुल करियर प्लानर के प्लेटफॉर्म पे ही मेरा रेगुलर क्लास चलेगा। अभी तो फिलहाल आपको पता ही है कि क्या स्थिति है, तो हम लोग खास वर्कशॉप्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी हम लोग रिज्यूम करेंगे अपने नॉर्मल क्लास के पैटर्न में। जवाब आना शुरू हो गया, श्रुति कुमारी, सुनिधि सिंह, क्या आंसर होगा, थर्ड या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ या सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या सेकेंड। तो मैं यहाँ पर आपको जवाब, बहुत लोग सही में, राजपूत, अंशु सिंह, ये लोग, पायल सिंह सही जवाब दे रहे हैं, खुशबू अग्रवाल, थर्ड आंसर होगा सर, थर्ड आंसर होगा, यहाँ पर थर्ड आंसर होगा। क्यों थर्ड आंसर होगा, ही वॉज सरप्राइज्ड एट, सबसे पहले ये बात याद रखना है कि सरप्राइज के साथ एट का यूज होता है। कुछ किताबें लिख देती हैं सरप्राइज्ड ऑन या सरप्राइज टू, उस तरह का नहीं, सरप्राइज्ड एट का यूज होता है, तो ये ऑन वाला तो चला गया। अब सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो वो ही वाज सरप्राइज, वो सरप्राइज था किस बात पे, सरप्राइज था मेरे ऑफर को रिफ्यूज करने पर,
मेरे ऑफर को रिफ्यूज करने पर, रिफ्यूज करने पर, इसको गौर करना, इसका हिंदी क्या आ रहा है उसको लिख लेना, रिफ्यूज करने पर, मेरे ऑफर के रिफ्यूज करने पर वो आश्चर्यचकित हो गया। तो मेरा ऑफर रिफ्यूज करना, तो मेरा के लिए माय का यूज होता है, मेरा रिफ्यूज, मेरा ऑफर रिफ्यूज करना। तो यहां पर एक्चुअली जो रिफ्यूजिंग वर्ड है इसका हिंदी रिफ्यूज करने पर है, और इसको जेरंड कहा जाता है। ये जेरंड है यानी नाउन की तरह आ रहा है, जेरंड ही नाउन होता है, और नाउन जब भी आता है तो उसके पहले पोजेसिव केस में हमें लिखना पड़ता है एडजेक्टिव को, और इसीलिए यहाँ पर नाउन या कुछ भी आए, प्रनाउन आए, तो पोजेसिव केस में आता है, और इसीलिए यहाँ एट माय रिफ्यूजिंग होगा, मी टू रिफ्यूजिंग या मी रिफ्यूजिंग नहीं, माय रिफ्यूज, मेरा रिफ्यूज करने को। तो इसको एक बार समझ लेना, ग्रामर के रूल के हिसाब से इसको समझ लो, जो मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो उसके तीन रूप होते हैं। एक रूप होता है कि जब वो वर्ब के जैसा काम करता है, यानी हम इसको वी फोर बोलते हैं, राइट। एक रूप होता है जब ये जेरंड की तरह काम करता है, यानी हम इसको नाउन बोलते हैं, और तीसरा रूप होता है जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये तीन रूप होते हैं। अब ये वर्ब कब होगा? जब इसके पहले इज या आर आ जाएगा। जब भी इज या आर आ जाता है आईएनजी के पहले, जैसे आई एम प्लेइंग, यू आर गोइंग, तो वर्ब बन जाता है। जेरंड क्या होता है? जेरंड तब ही होता है आईएनजी जब इसके लास्ट में ना आ जाता है। यहां पर ट्रांसलेट करने पे क्या हुआ? वो सरप्राइज हुआ, मेरे रिफ्यूज करने पर, रिफ्यूज करना, यहां पे ना आ रहा है, इसलिए जेरंड है, और जेरंड के पहले हमेशा पोजेसिव यानी माय, आवर, योर, हिज का यूज होता है, इसलिए यहां पर आंसर होगा थर्ड। और एडजेक्टिव को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो ये ने वाले और ते हुए बनता है, ने वाले और ते हुए बनता है। यानी ये लिख लेना कि आईएनजी जो होता है वो तीन फॉर्म में आता है, एक वर्ब के फॉर्म में, एक जेरंड के फॉर्म में, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में। जब वर्ब के फॉर्म में आता है तो उसके पहले इज आर लगता है, जब जेरंड के फॉर्म में आता है तो इसका हिंदी ना होता है, और जब एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है तो इसका हिंदी ने वाले और ते हुए होता है, और जब ये जेरंड के फॉर्म में आता है तो उसके पहले माय या आवर या योर, मेरा, तुम्हारा या उसका लगता है, इसीलिए एट माय रिफ्यूजिंग होगा, राइट। इसलिए आंसर थर्ड होगा। तो ये हो गया हमारा दसवां क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको जो अगला स्लाइड दिखाने वाला हूं, ये स्लाइड एक वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। इसमें एसएससी के साइनों को हमने कलेक्ट किया है, और अगर आप देखेंगे तो ये एसओ से लेकर बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशंस, और 97 से शुरू होकर अभी हालिया 2018 तक के एग्जामिनेशंस के जितने वर्ड हैं उस वर्ड को इसमें डाला गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल करीब 600 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड, मैं आपको सिर्फ पेज वन दिखा रहा हूँ, इसमें 29 वर्ड्स हैं, लेकिन आपको ये जो पीडीएफ अभी आप डाउनलोड कर पाएंगे इसमें आपको 696 या 669 वर्ड्स हैं, 600 से ऊपर वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हाई फ्रिक्वेंट वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हाई पावर वर्ड्स हैं, और इन वर्ड मीनिंग्स को अगर आप मेरे साथ याद कर लें तो मुझे लगता है बैंकिंग और एसएससी दोनों के लड़कों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ इस वर्ड मीनिंग को याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, 600 वर्ड्स है, लेकिन बहुत हाई फ्रिक्वेंट वर्ड्स है। एडिटोरियल्स हिंदू मैंने चेक किया, मैंने पूरा देखा है, पूरे हिंदू एडिटोरियल और इन सब से, मैंने इस तरह के वर्ड्स काफ़ी रिलेटेड हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने अभी करने वाला हूँ, अगला 5-10 मिनट का टाइम, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर तुमको इन वर्ड मीनिंग्स को याद करना हो बहुत तेजी के साथ तो कैसे तुम याद कर सकते हो। 650 वर्ड से इसको पढ़ना, मैं जल्दी इस पर एक क्विज नेक्स्ट क्लास में, मैं इसके शुरू के 3-4 पेज से कुछ एक दो वर्ड्स पूछूंगा, 5 पेज तक पढ़ लेना, लेकिन काफ़ी लेंदी है तो धीरे धीरे पढ़ना। अगले क्लास में शुरू के 5 पेज से कुछ वर्ड्स पूछूंगा, याद कैसे करें जल्दी, देखो जल्दी, निमोनिक टेक्निक मैंने क्लास में तुम लोगों को बताया है, वर्ड से स्टोरी बना दो। अब यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? इंट्रेपिड, इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे? इंट्रेपिड, इंट्रेपिड में एक वर्ड छुपा हुआ है रैपिड, दिखाई दे रहा है, आर ई पी आई डी दिखाई दे रहा है इंट्रेपिड के अंदर छुपा हुआ, रैपिड। रैपिड मतलब क्या होता है? तेज।
यानी आप तेज कब हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, आप तेजी से आगे कब बढ़ने लगते हैं, जब सारा डर खत्म हो जाता है, सारा डर खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, मतलब ऑब्वियसली कोरोना के समय तो घर से नहीं निकलना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी डर के कारण अपने मंजिलों तक नहीं आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप रैपिड स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं, तो रैपिड से इसको कनेक्ट करके याद करो, जैसे आप तेजी से आगे बढ़ते हैं इसका मतलब फियरलेस हो जाते हैं, आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। अगला वर्ड तेजी से याद करना है, अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट, एक बात बताओ, तुम्हारा ब्रो अगर तुम्हारे गेट पे आ जाए और तुमसे मदद मांगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा ब्रो अगर तुम्हारे गेट पे आ जाए तो तुम क्या करोगे? मदद तो तुमको करना चाहिए, लेकिन बहुत केस में लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को भगा देते हैं। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी मदद के लिए आता है लेकिन तुम उसकी मदद नहीं करते। तो रिपील करना माने किसी चीज को हटा देना, डू अवे विथ। आपके गेट पे आपका ब्रो आया लेकिन आपने उसको हटा दिया। यहां पर है डेफरेंस। डेफरेंस को याद कर लो रेवरेंस से। रेवरेंस का मतलब भी होता है रेस्पेक्ट करना, डिफरेंस मतलब भी होता है रेस्पेक्ट करना, दोनों का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना। अब तुम मेरे साथ याद करते चाहो, यानी इंटरप्रिट को रैपिड से याद करेंगे। रैपिड मतलब तेज। तेज आप कब होते हैं? जब आपके अंदर का डर चला जाए, फियरलेस। एब्रोगेट, ब्रो गेट पे आया लेकिन आपने उसको रिपील कर दिया, डू अवे विद कर दिया, हटा दिया, खारिज कर दिया उसके रिक्वेस्ट को। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब रेवरेंस यानी रेस्पेक्ट, या फिर इसको आप डिफेंस से याद कर लें। इसमें डिफेंस छुपा हुआ है, देखिए DEF और ENC। डिफेंस के लोगों को हमें क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। अगला वर्ड क्या है? कोवेनेंट है। कोवेनेंट को आप को से याद कर ले। को हमेशा सहयोग में आता है, कोलेबरेशन। को हमेशा एक दूसरे की मदद में आता है, कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट, जब दो लोग मिलकर कोई लीज या बॉन्ड या लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको कोवेनेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस को कैसे याद करेंगे? कोई हमें इस पे आइडिया सोचना है बहुत तेजी के साथ, तो ऑब्नॉक्सियस को हम कैसे याद करें? तो ऑब्नॉक्सियस में मे बी जो एक्स है, ये एक्स थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ सकता है, एक्स को जनरली नेगेटिव सेंस में लिया जा सकता है। तो कोई भी चीज जो आपको खराब लगे, ऑब्नॉक्सियस लगे, यानी जो खराब लगे, या ऑक्स से याद कर लो। अगर आपको दिखाई दे कि रोड पे कोई ऑक्स को मार रहा है तो आपको जरूर खराब लगेगा, डिस्गस्टिंग लगेगा, गुस्सा आएगा कि क्यों जानवर को मार रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, राइट। अगला वर्ड पे हम लोग जा रहे हैं प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब होता है, अब इसमें देखो एक वर्ड छुपा हुआ है लाइफ, दिखाई दे रहा है? प्रोलिफरेट के अंदर छुपा हुआ है लाइफ। और लाइफ क्या होता है? लाइफ फैलता है, लाइफ आगे बढ़ता है। तो प्रोलिफरेट मतलब क्या हुआ? किसी चीज का रिप्रोड्यूस रैपिडली, यानी बहुत तेजी के साथ रिप्रोड्यूस करना और आगे बढ़ना। इसमें क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बॉक्स, जैसे ही बॉक्स खुला सामने एक पजल आ गया, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। बॉक्स के अंदर पजल, बच्चे ने बॉक्स खोला और पजल बनाना शुरू कर दिया। पैराडॉक्स मतलब पजल, यानी कोई भी एक ऐसी चीज। तो एग्जैक्टली पैराडॉक्स मतलब पजल भी हो सकता है, कोई चीज बिल्कुल आपके उलझा दे, लेकिन पैराडॉक्स का मतलब यह भी होता है कोई चीज बिल्कुल अपोजिट हो, मतलब आपने सोचा कुछ और उसके अपोजिट हो गया, पैराडॉक्स हो गया। अपोजिट के सेंस में, कॉन्ट्राडिक्शन के सेंस में भी यूज किया जाता है। अगला वर्ड है क्लॉजल। क्लॉजल को मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा इसको सोचने की जरूरत है। इसमें लॉस छुपा हुआ है, और जब भी हमें लॉस होता है तो हमें बहुत बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। हर लॉस बहुत ही बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, बहुत ग्रेट होता है। तो क्लॉजल मतलब इनॉर्मस या ग्रेट। यहां पर इंसेप्शन दिया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मूवी आ चुकी है, मूवी से ओरिजिन किसी चीज को। मूवी में क्या था? दिमाग में विचारों को डाला जाता था, दिमाग में विचारों की शुरुआत होती थी, तो हो गया इंसेप्शन। यहां पर ग्रैंडियर है, ग्रैंडियर के शुरू में ग्रैंड है, तो ग्रैंड मतलब अद्भुत, तो मैग्निफिशिएंट, यानी इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज जो ऐसी हो जो बहुत अद्भुत हो। अब यहां पे है ट्रैम्प। ट्रैम्प को ट्रंप के साथ याद कर सकते हो। ट्रंप अक्सर दूसरे देशों में जाते रहते हैं, वहां अपनी धाक जमाते रहते हैं। तो ट्रैम्प मतलब क्या हुआ? वैंडरर। वैंडरर मतलब जो इधर घूमने वाला हो। जोकर को भी ट्रैम्प बोला जाता है। और अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क। वेगरेंट हो गया, मतलब बेगर हो गया, जो इधर उधर घूमे।
अब कंसाइनी, अगला वर्ड क्या है? कंसाइनी, इसमें एस आई जी एन साइन है, यानी तुमको साइन करना पड़ेगा। जब आप नॉमिनी बनते हैं किसी का, यानी आप किसी का उत्तराधिकारी बनते हैं, द पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट, अगर आपको किसी का नॉमिनी बनाया जाता है तो आपको साइन करना पड़ेगा, राइट, आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अब देखिए अगला वर्ड इन्फैचुएशन, अगला वर्ड है इन्फैचुएशन। इसमें इन्फैचुएशन एक तरह का आकर्षण होता है, तो जनरली इसमें देखिए फैट छुपा हुआ है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो लोग फैट लोग होते हैं, जो लोग फिजिकली फिट नहीं होते हैं, उन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, और लोग उसी कारण हमेशा अपने जिम पे और अपने बॉडी को अच्छा बनाने में, चेहरे को अच्छा बनाने में काफ़ी वक्त लगाते हैं। तो आकर्षण से आप याद कर सकते हैं फैट। अब तो फेयर एंड लवली का नाम भी ग्लो एंड लवली हो गया है, तो हमें कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा कि जो हम लोग स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं कि कोई मोटा है, पतला है, नाटा है, गोरा है, काला, उस हिसाब से उसको पसंद या नापसंद करना बिल्कुल गलत रवैया है। ब्यूटीफुल और हैंडसम, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस तरह के वर्ड्स को आपको इससे ज़्यादा याद कराने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि मैं अगर क्विकली अगर आपको एक बार इस तरह के वर्ड्स को शुरू से बोलूं कि क्या आपको याद हुआ, तो मुझे लगता है आपको मेरे साथ याद हो गया। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप इसको याद करें, और मैं इसके कुछ कुछ पेज आपको याद करवाता भी रहूंगा इसमें से वर्ड्स चुन के। तो इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब क्या, और रैपिड से यानी फियरलेस। एब्रोगेट मतलब हो गया ब्रो गेट पे आ गया लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, रिपील कर दिया, हटा दिया। डिफरेंस कहां से, डिफेंस यानी डिफेंस के जो लोग होते हैं उनको हमें रेस्पेक्ट देना पड़ता है, तो डिफरेंस मतलब क्या हो गया, रेस्पेक्ट हो गया। कॉवनेंट मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, को से याद कर लेना। ऑब्नॉक्सियस, ऑक्स से याद कर सकते हैं, यानी कि कोई अगर ऑक्स को मार रहा है, या एक्स से याद कर सकते हैं, बुरा, तो डिसगस्टिंग, कोई भी चीज बहुत खराब। प्रोलिफरेट, लाइफ इसमें छुपा हुआ है, यानी किसी चीज का रिप्रोड्यूस करना, तेजी से फैलना। पैराडॉक्स में बॉक्स है, यानी पजल या कॉन्ट्राडिक्शन। कोलोजल में लॉस है, यानी कि बहुत बड़ा, इनॉर्मस, जब भी लॉस होता है तो हमारे हमें बहुत दुख लगता है। और इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब किसी चीज़ को ओरिजिन करना, किसी चीज़ का स्थापना। ग्रैंडियर माने अद्भुत, मैग्निफिशेंट। और ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब इधर उधर घूमने वाला। वेगाबॉन्ड, वेंडरर, वाइग्रेंट, बेगर। कॉन्साइनी, जो साइन करे यानी कि जो नॉमिनी बने यानी जिसको पैसा मिलने वाला है। इन्फैचुएशन, फैट लोगों को क्या हमें पसंद नहीं करना चाहिए, डार्क लोगों को क्या हमें पसंद नहीं करना चाहिए। तो इन्फैचुएशन मतलब एक तरह का स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, और ब्यूटीफुल या हैंडसम ये आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ इस पूरे लिस्ट को देखिएगा, और जब आप ये देख चुके हैं तो मैं इसके कुछ वर्ड्स को आपको, अच्छा फ्रेजल वर्ब कैसे करें, विवेक कुमार पूछ रहे हैं फ्रेजल वर्ब। अगला जो परसों मेरा सेशन होने वाला है बुधवार को 3 बजे सेम टाइम पे, वहां पर मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब भी लेकर आ रहा हूं। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या एडिटोरियल्स रहेंगे उसके साथ फ्रेजल वर्ब भी रहेंगे, तो वो भी देखिएगा। तो मैं वर्ड मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब और ग्रामर सबको साथ लेके चलूंगा। अब हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, बहुत ही इंप्रेसिव वीडियो है, मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि फेमस फेलियर्स क्या हैं। बहुत लोग बात करते हैं कि मुझसे किसी ने पिछले क्लास में पूछा था कि मुझे फेलियर्स के बारे में बताइए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं इंस्पायर हो सकता हूं। तो मैं आपके लिए किताब लेके आया हूं, स्ट्रे हंग्री स्ट्रे फुलिश, इस किताब के बारे में मैंने बात की थी। ये रश्मि बंसल की किताब है, इस स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसमें आईएम से जो लोग पास आउट किए और उसके बाद वो लोग आईएम में उतना अच्छा नहीं कर पाए लेकिन बाद में उन्होंने अपने इंटरप्राइजेस बिजनेसेस शुरू किए, उसकी ये स्टोरी है। आज मैं आपको फेमस फेलियर से रिलेटेड एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, वो अपने घर गया, दरवाजा बंद करके रोया। और वो है माइकल जॉर्डन जो 6 बार NBA चैंपियन रह चुका है, 5 बार NBA MVP रह चुका है, 4 बार NBA ऑल स्टार रह चुका है। He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात करना शुरू नहीं किया,
वो किसी से बात नहीं कर पाते थे, उन्होंने पहली बार अपने डिनर टेबल पर ये बोला कि द सूप इज़ टू हॉट, और तब लोगों ने पूछा कि तुमने इतने टाइम बाद क्यों बोला, तो उसने बोला कि अभी तक कोई भी चीज़ ख़राब नहीं थी खाने के टेबल पर, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं था, आज पहली बार सूप हॉट है तो मैंने बोला। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Oprah Winfrey, इनको न्यूज एंकर के तौर पे निकाल दिया गया, बोला गया कि टेलीविजन के लिए फिट नहीं है इनकी पर्सनैलिटी, और ये मल्टी अवार्ड विनिंग टॉक शो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन चुना चुकी हैं वर्ल्ड में, और इनके टॉक शो को दुनिया भर में देखा जाता है, यानी ये टेलीविजन की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. Walt Disney, इनको न्यूज़पेपर से निकाल दिया गया कि ये क्रिएटिव नहीं है, इनके पास आइडियाज़ नहीं है, और इन्होंने 22 एकेडमी अवार्ड्स जीते हैं, और हमारा पूरा बचपन इनके मिकी माउस के क्रिएशन और डोनाल्ड डक को देखते हुए गुजरा है, इतना क्रिएटिव पर्सन, इसे निकाल दिया गया था जॉब से। At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. मेसी हाइट नहीं बढ़ पाए क्योंकि हाइट डिफिशिएंसी इनके अंदर हार्मोन की प्रॉब्लम थी, और बाद में ये 3 टाइम फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं। At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. इनको unceremoniously remove कर दिया गया जिस कंपनी से, unceremoniously होता है कि बिना फॉर्मल तरीके से, बस कंपनी से इनको निकाल दिया गया। कौन है ये? स्टीव जॉब्स, जिस कंपनी को इन्होंने शुरू किया एप्पल, उनसे इनको निकाल दिया गया, बाद में वापस ही एप्पल में आए किसी और रूट से, पिक्सार एनिमेशन के थ्रू, लेकिन इनको पहली कंपनी से निकाल दिया गया। आप जानते हैं एप्पल के फाउंडर, अ हाई स्कूल ड्रॉपआउट हुज पर्सनल स्ट्रगल्स विद ड्रग्स एंड पॉवर्टी कल्मिनेटेड इन एन अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट। एमिनम 13-time ग्रैमी अवार्ड विनर, 90 million एल्बम वर्ल्ड वाइड, बहुत बड़े रैपर माना जाता है, सुसाइड की कोशिश की थी इन्होंने। A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. कौन हो सकते हैं? टीचर ने बोला कि तुम एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां तुम अपने चेहरे मोरे को दिखाकर पैसे कमा सको। कौन हो सकता है? थॉमस एडिशन। इसलिए टीचर्स की बात भी जरूरत से ज्यादा नहीं माननी चाहिए, अपना सेंसिबिलिटी, अपना सेंस बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." Recording studio ne bola ki inki awaaz achhi nahi hai, inka recording business mein koi future nahi hai. Kaun sa band ho sakta hai? The Beatles. कहा जाता है कि इन्होंने पूरे म्यूजिक के इंडस्ट्री को चेंज कर दिया था, लेकिन इनको भी रिजेक्शन सहना पड़ा था। फॉक्सवैगन ने एक कार भी लॉन्च की है बीटल्स के नाम से इनके सम्मान। His first book was rejected by 27 publishers. इनका नाम आप शायद ना जानते हो, डॉक्टर स्वस, ये एक बहुत ही फेमस बच्चों की स्टोरी लिखने वाले राइटर हैं, और इनको काफी अप्रिशिएट किया गया, और ये अभी तक के सबसे ज्यादा, मतलब हैरी पॉटर से भी ज्यादा इनकी किताबें बिकी हैं।
His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 इलेक्शन में हार चुके हैं. फियांसे इनकी जो मंगेतर थी वो मर चुकी, बिजनेस फेल हो चुका, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, डिप्रेशन में गए, 8 इलेक्शन हारे. कौन हो सकते हैं? इलेक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. इफ यू नेवर फेल्ड यू नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू. Right, so this is one video which is very close to my heart. I wanted to show it to you because someone demanded me in the last class that we need to look at failure stories. So these are the failure stories which are really inspirational. It shows. आपको पता है KFC के founder ने 60 साल की उम्र में suicide करने के बाद सोची और उसके बाद वो बैठे लिखने के लिए कि वो क्या नहीं कर पाए और उन्होंने अचानक एक लाइन लिखी कि वो बहुत अच्छा चिकन बना सकते थे लेकिन वो उन्होंने नहीं बनाया और तब उनको रियलाइज हुआ कि वो एक ही काम कर सकते अच्छा चिकन बना सकते हैं. एंड ही स्टार्टेड कुकिंग चिकन एंड सेलिंग इट टू नेबरहुड एंड ही बिकेम 88 साल की उम्र में ही बिकेम अ बिलियनेयर. सो दैट हैपन्स. दीज आर ऑब्वियसली वेरी आइडियलिस्टिक स्टोरीज. आई एम नॉट सेइंग कि everyone can do that, but obviously time is not a constant. Any time you can start working and that's the down for you. Right, so ये हमने बात किया, जैसा मैंने बोला था कि एक घंटे के अंदर हम लोग आज के सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. लास्ट का एक 5 मिनट का टाइम मैं आपके साथ और इसलिए लूँगा कि मैंने आपसे बात किया था कि मैं आज एक कम्युनिकेशन कोशेंट को शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ. एक मैंने टॉपिक आपको भेजा था, आपको अगर मैसेज में मिला होगा, कम्युनिकेशन कोशेंट. सो आई वांटेड टू टीच यू हाउ टू टॉक प्रोबेबली इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड और मे बी हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू और इन अ जीडी. सो इन चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा 5 मिनट का सेशन लास्ट में बात करेंगे. तो आज मैं आपके साथ एक पैसेज बोलने वाला हूँ, फिलॉसफी का एक पैसेज है. मैं आज अपने को इंट्रोडक्शन करने की कोशिश नहीं करूंगा. मैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बताऊंगा इंटरव्यू में कैसे और बाकी सारी चीज़ें. मैं चाहता हूं पहले आप जो डीप चीज़ें हैं उनको समझना, उनको अप्रिशिएट करना और उन पर सोचना सीखें. तो मैं अगले 5 मिनट आपसे इंग्लिश में कुछ बात करने वाला हूं, राइट, और मैं उसको हिंदी में बीच बीच में ट्रांसलेट भी करूंगा. जो बात मैं करने वाला हूं ये बात एक बहुत ही फिलोसफिकल डिस्कोर्स है जो अभी 2-3 दिन पहले मैं सोच रहा था. और जैसे मैंने बोला कि मैं आप क्या क्लासेस लेकर आया हूं तो मैं सोच रहा था तो आइडिया आया. तो ये 3-4 मिनट का टाइम आप मेरे साथ सुने. इंग्लिश में मैं बात करने वाला हूँ, बीच बीच में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा. आप पूरी बात को सुने और उसके बाद आप इस चीज़ के समरी को, आपको जो समझ आया, आपको पसंद आया नापसंद आया, आपको कमेंट में लिखने की कोशिश करें. So we are starting, right? This philosophical discourse, discourse means बातचीत, this philosophical discourse is about good and bad. It is about God and Satan, right? So we know there are certain things in life which are good, which are presented to us as goodness, and there are certain things which are presented to us as ugliness, as evil. How can we decide what is good and what is bad? So let's think about it. The idea started when I was reading a novel of Premchand where the protagonist, maine word aapko bola tha, the main hero, the lead actor, the protagonist got a question. Someone asked him, "Do you believe in God?" And he said, "Yes." Then the next question was, "Do you believe in bad spirits? Do you believe in Satan? Do you believe in demons? Do you believe in evil?" And he replied, "No." Then the next question was, "Why? If God can exist, why can devil not exist?" And he replied that the world is a sheath. Sheath matla hota hai myan. The world is a sheath and the God is a sword. पूरी दुनिया एक म्यान है और भगवान एक तलवार है. अब एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है. अ सिंगल शीथ कैन होल्ड SHEATH, अ सिंगल शीथ कैन होल्ड अ सिंगल सोर्ड. सो इफ गॉड एग्जिस्ट
Saturn or devil or demons cannot exist. I could not comprehend the intention of this entire story, but just 2 days back I was just thinking and I realized what Premchand wanted to say, that God is omnipotent, omnipresent and omniscient. You know these three words: omnipotent, omnipresent and omniscient. Omnipotent matlab sarvashaktiman, omnipresent matlab sab taraf vyapt, aur omniscient matlab sab kuch janne wala. To God to sab kuch janta hai. If God knows everything, then how Saturn can exist? How anti-God can exist? Someone might say, in the same way as light and darkness exist. जैसे कोई बोलेगा कि सैटर्न और गॉड अच्छा या बुरा दोनों साथ साथ वैसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे लाइट के साथ डार्कनेस एग्जिस्ट करता है. आई वुड से डार्कनेस इज नॉट अ स्टेट, डार्कनेस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट. जब लाइट नहीं होती है तो डार्कनेस होता है. थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट बात कर रहा हूँ, सुनना, मेरे साथ चलना. ऑब्वियसली पीपल हु आर स्केर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स दे कैन मूव अवे, बट आई एम टेकिंग इट टू अ प्लेस, राइट. तो अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ओमनीपोटेंट हैं, तो डेविल या सैटन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? डार्कनेस तभी एग्जिस्ट करता है जब लाइट नहीं हो. तो एंटी गॉड या सैटन तभी एग्जिस्ट कर सकता है व्हेन देयर इज नो गॉड. बट देयर इज नो स्पेस वेयर इज देयर इज नो गॉड. गॉड इज एवरीवेयर. गॉड, समवन हैज सेड, कार्ल यंग हैज सेड दैट गॉड इज अ सर्कल whose center is everywhere but whose circumference is nowhere, so unlimited. So if God exists everywhere, then how Saturn can exist? The only answer is that God allowed Saturn to exist. Saturn matlab shaitan, devil. God ne hi, yani achhai ne hi burai ko allow kiya exist karna. तो बहुत सारे रिलीजियस टेक्स ये बात भी करते हैं कि गॉड ने परमिट किया सैटर्न को कि ही कैन एक्चुअली मिसगाइड पीपल, ही हैज द पावर टू मिसगाइड पीपल. नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई एम अ पर्सन, आई नो दिस साइड इज गॉड एंड दिस साइड इज सैटर्न, एंड आई नो इफ आई विल गो टू गॉड आई विल गेट हेवन एंड हेवन इज अल्टीमेट ब्लिस, देन व्हाई डू आई हेल्प मूव टू सैटर्न? मैं गलत चीज़ों की तरफ क्यों जाता हूँ? मैं अगलीनेस की तरफ क्यों जाता हूँ? हम जिंदगी में गलत काम क्यों करते हैं? जब मुझे पता है इफ आई मूव टू लाइट, इफ आई मूव टू गॉड, आई विल गेट द ब्लिस, आई विल गेट द हेवन. द ओनली सॉल्यूशन इज दैट सैटर्न इज ल्योरिंग मी, सैटर्न इज अट्रैक्टिंग मी. बट हाउ कैन ही अट्रैक्ट मी? बाय ऑफरिंग मी सम ग्रेट ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन मतलब कोई उपहार. सैटर्न इज ऑफरिंग मी अ ग्रेट ग्रेटिफिकेशन. बट वॉट कुड बी दैट ग्रेटिफिकेशन विच इज सो टेम्पटिंग दैट आई मूव टू सैटर्न? इट मस्ट बी, इट कैनॉट बी मोर देन हेवन, क्योंकि हेवन तो सबसे बड़ा है. सब रिलीजन बोलते हैं कि हेवन, काफी रिलीजन बोलते हैं कि हेवन सबसे बड़ी चीज है. देन व्हाई डू आई मूव टू सैटर्न? बिकॉज सैटर्न इज ऑफरिंग मी समथिंग विच लुक्स एज टेम्पटिंग एज हेवन. हाउ कैन सैटर्न डू इट? सैटर्न कैन डू इट बाय वन वे, बाय हिज डिसेप्शन. सो सैटर्न इज ट्राइंग टू डुप्लीकेट गॉड, सैटर्न इज ट्राइंग टू कॉपी गॉड. वो इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करता है कि सैटर्न सैटर्न नजर नहीं आता है, बुरा बुरा नजर नहीं आता है, वो अच्छा नजर आता है. और वो गॉड को डिमीन करने की कोशिश करता है. ही ट्राइज टू डिमीन द गॉड, ही ट्राइज टू पॉइंट फिंगर्स ऑन द थिंग्स विच आर ट्रू, ही ट्राइज टू डिमीन थिंग्स विच आर ब्यूटिफुल, सो दैट वी बिकेम कन्फ्यूज, सो दैट वी अवॉइड गॉड एंड मूव टू सैटर्न. सो इफ दिस इज द फिलोसफी, देन द क्वेश्चन इज, इफ यू आर मूविंग टू सैटर्न एंड फॉर श्योर वी आर गोइंग टू द हेल, we are moving because Saturn is attracting us by some sort of illusion, maya. And if maya exists, then in our lives we can never be sure what is good and what is bad. So hamare paas ek hi upay hai, we consider everything as God, we consider everything good. गुडनेस इज एवरीवेयर. इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. बिकॉज देर इज नो सैटर्न, देर इज नो बैड थिंग्स, एवरीथिंग इज गुड. सो इफ यू लुक एट योर पेन्स, इफ यू लुक एट योर ट्रॉमा, इफ यू लुक एट योर ट्रेजेडीज, इफ यू लुक एट योर वुंड्स, इफ यू लुक एट योर फेलियर्स, इफ यू लुक एट योर मिसहैपनिंग्स,
ऑल दिस थिंग्स लुक लाइक डेमन्स, ऑल दिस थिंग्स लुक लाइक सैटर्न, ऑल दिस थिंग्स लुक लाइक डार्कनेस, बट देर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन दैट डार्कनेस. उस अंधेरे में भी एक चमक है, उन बुरी चीजों में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है. ये जो भी बुरी चीजें आ रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे पास चांस है, वी हैव अ चांस टू इंप्रूव आवर सेल्व्स. सो द क्रक्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट डोंट डिमीन एनीवन, बिकम न्यूट्रल. ना तो किसी को देखकर ये सोचो कि बहुत अच्छा है, बिकॉज इफ देर इज अ डिसेप्शन then Saturn is playing God and Saturn is demeaning God. So so Saturn can present itself as demigod. And there are many demigods roaming around in the world. But we cannot rely on everyone. Right? So हमें अपना truth खोजना होगा. और मैं तुम्हें यहाँ पर एक शेर सुनाऊँगा जो अहमद फराज साहब का शेर है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, बहुत मुमकिन है कि ये खजाने तुझे खराबों में मिले. Try to search the wealth, the precious stone of loyalty among people who are broken, among people who appear bad. जो लोग बुरे दिखते भी हैं, बहुत बार हम लोग शक्ल को देखकर, हाव भाव को देखकर, कुछ की बातों को देखकर हम लोग बुरा मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ हमें एक अच्छी दोस्ती, अच्छा रिश्ता मिले. तो अपने stereotypes को हटा दें, prejudices को हटा दें, और उसको हटाकर किसी इंसान से मिले, देन वी कैन सीक द रियल गुडनेस. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लेक्चर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाटएवर आई प्रेजेंटेड टू यू, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन, इफ यू थिंक यू आर ओके विद दिस, यू कैन सपोर्ट दिस, यू कैन राइट समथिंग अगेंस्ट इट, दैट्स योर कॉल. आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट पर्सनली. एंड आई वॉन्ट यू टू राइट एन एसे ऑन अ टॉपिक, इज डिजिटल इंडिया रेडी फॉर डिजिटल एजुकेशन. क्या डिजिटल इंडिया डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार है? इस पर मैं चाहता हूं कि आप 250 वर्ड्स में कुछ लिखें और YouTube के कमेंट में डालें. मैं उसको करेक्ट करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा, या आप WhatsApp पे भी भेज सकते हैं. कुछ दिनों से मेरे आँख में प्रॉब्लम था, मैं चेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं करूंगा. तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए. परसों मिलते हैं वेडनेसडे को 3 बजे, फिर हमारा क्लास होगा जिसमें आपको फ्रेजेज, idioms, कुछ एडिटोरियल्स और कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊँगा. शुक्रिया. शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू.